एस बी आई क्लॉक प्रस बी आई क्लॉक प्रसाद नजदीक आ चुका है सो लगे हुए होंगे आप सभी के सभी तैयारी में ऐसा ही है तो चलो हम लोग अभी आज के सेशन में क्या करने वाले मैं नहीं चाहती कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर आपको सिर्फ एक एक सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं टाइम देना है अपना सभी सब्जेक्ट्स को लेकर साथ में चलना है यू हैव रीजनिंग यू यू हैव हैव एप्टीट्यूड इंग्लिश ठीक है सो so, तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको साथ में लेकर चलना है तो एक शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम जल्दी जल्दी से फटाफट से फटाफट से क्वेश्चन करेंगे बट आई विल मेक श्योर यहां पर मैंने एक चीज मेंशन किया पांच नंबर पक्के सबसे पहले तो आपको पता नहीं कि हम लोग आज के सेशन में करने क्या वाले हैं एक ऐसा टॉपिक ठीक है एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं प्रिलिम्स का एक कहते हैं ना अभिन्न अंग है प्रिलिम्स के पेपर में, प्रिलिम्स का पेपर में का इस चीज के बिना अधूरा है आपको किसी ना किसी शिफ्ट में किसी ना किसी नहीं इनफैक्ट काफी सारे शिफ्ट में लगभग हर एक शिफ्ट में किसी एक आध को छोड़कर ऐसा होता है लगभग हर एक शिफ्ट में आपको सिलॉग्स के क्वेश्चन मिलते हैं है ना ऐसा ही है, मिलते हैं तो अगर मैं एक चीज बता रही हूं अगर आप मुझसे सिलॉग्स पढ़ते हैं ठीक है मेरे सिलॉग्स के जितने भी है ना पॉजल प्रो यूट चैनल पर जिसमें मैंने बेसिक से भी आपको पढ़ाया है उसके बाद में उसके जितने भी टाइप्स हैं एक छोटी छोटी वीडियोस भी हैं इसी वीडियो को लेकर बहुत छोटी छोटी वीडियोस जिसमें आप एक फाइनल रिवीजन भी कर सकते हैं ठीक है तो जिन्होंने भी मुझसे सिलॉग्स पढ़ा है आई कैन गारंटी यू वन थिंग आपके पेपर में पांच नंबर का तीन नंबर का दो नंबर का जितने भी नंबर का सिलॉग्स आ जाए आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे अगर आपने सिलॉग्स मुझसे पढ़ा है ठीक है तो चलो लेट्स नॉट डिले अभी फटाफट से हम लोग अपना सेशन uh, को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जल्दी से जल्दी जल्दी से सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ठीक है ये रहा ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने आप सभी देख सकते हैं जल्दी से अब हम इनको बनाते हैं क्या कहते हैं ओनली अ फ्यू एयरक्राफ्ट आर प्लेन ओनली अ फ्यू का मतलब यानी कि सम एयरक्राफ्ट सम एयरक्राफ्ट आर प्लेन एंड सम एयरक्राफ्ट आर डेफिनेटली नॉट प्लेन इसको ऐसा बनाएंगे सम प्लेन इज हेलीकॉप्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर का कुछ पोर्शन कॉमन है बना दिया ओनली हेलीकॉप्टर इज पैराशूट सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही पैराशूट है इसका मतलब ओल्ड पैराशूट इज हेलीकॉप्टर बनाएंगे हम ओल्ड पैराशूट तो ये है आपका एच ओल पैराशूट इज हेलीकॉप्टर यह मैंने स्टार मार्क किया याद रखना यह पैराशूट है और ये जो पी है ये है आपका प्लेन ठीक है तो ये बन गया मेरा ये बन गया अब फटाफट से पहला कंक्लूजन समाशूट इज एयरक्राफ्ट इज अ पॉसिबिलिटी ठीक है सम पैराशूट इज एयरक्राफ्ट पैराशूट ये है स्टार मार्क किस लिए करते हैं याद रखने के लिए कि ये जो पैराशूट है इसका इस एच के अलावा जिसके अंदर ये खुद है इस एच के अलावा इसका लेना देना किसी के साथ नहीं हो सकता तो यहां पर उसने बोल दिया एयरक्राफ्ट क्या है पैराशूट एयरक्राफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता भाई बिल्कुल नहीं हो सकता सम एयरक्राफ्ट इज हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का कुछ पोर्शन उसने डायरेक्ट पूछा है पॉसिबिलिटी नहीं पूछी अगर इसी की पॉसिबिलिटी पूछता तो ठीक हो जाती सम एयरक्राफ्ट इज हेलीकॉप्टर कोई भी कंक्लूजन सही कब होता है जब आपको आपका जो स्टैंडर्ड डायग्राम बनता बनता है उसमें वो एग्जैक्टली exactly नजर आता है कि आपको नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का कुछ पोर्शन कॉमन है नहीं नजर आ रहा सीधा सीधा हो गया गलत तो दोनों ही कंक्लूजन आपके यहां पर गलत है फटाफट से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन सम कर्टेन्स इज कूलर सम कर्टेन्स इज कूलर ओल्ड कूलर इज एसी नो ए सी इज फैन सब बना दिया हमने पहला कंक्लूजन नो कूलर इज ए सी ठीक है नो कूलर इज ए सी कूलर ये रहा आपका ए सी ये रहा. अब एक देखो. उसने बोला ओल्ड कूलर इज ए सी पूरा का पूरा कूलर ए सी है और अब उसने क्या बोला नो कूलर इज ए सी क्या ये सही हो सकता है स्टेटमेंट जो कि हमेशा हम उसको सही मानते हैं ट्रू मानकर उसका एक स्टैंडर्ड वन डायग्राम बनाता है बनाते हैं स्टेटमेंट्स का उसने बोला सारे के सारे कूलर ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी कूलर ऐसी नहीं है सीधा सीधा गलत हो गया सम इज फैन फैन कर्टेन और का कुछ पोर्शन कॉमन क्या नजर आ रहा है मुझे तो नहीं नजर आ रहा कर्टेन मेरा यहां पर है फैन मेरा यहां पर है तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा है सीधा सीधा क्या हो गया गलत हो गया ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं अगर आप इन दस क्वेश्चन को कर लोगे ना तो आपका हर एक हर एक टाइप यहां से कवर हो जाएगा इसके बाद वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे आप इजिली बना पाएंगे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे ओनली अ फ्यू राइस इज वीट ठीक है यानी कि इज नॉट वीट ओनली अ फ्यू वीट इज पल्सिस यानी कि सम वीट इज पल्सिस एंड समीट इज नॉट पल्सिस नो पल्सिस इज पीनट पल्स और पीनट दोनों ही आपस में क्या है बिल्कुल दूर है कर दिया हमने some rice is pulses rice और pulses का कुछ कॉमन नजर आ रहा है some rice is pulses भाई नहीं नजर आ रहा some peanuts can be rice अब उसने कैन बी पॉसिबिलिटी पूछी है कि कुछ पीनट्स राइस हो सकते हैं अब मुझे क्या नजर आ रहा है पीनट तो है भाई बहुत दूर राइस है यहाँ पर तो राइस और पीनट के बीच में उसने पूछा है सम का रिलेशनशिप कैन बी में तो पहले सिंपल चेक कर लो सम पीनट्स आर राइस मुझे तो नहीं नजर आ रहा एग्जैक्टली लेकिन गलत भी तो नहीं नजर आ रहा गलत भी तो नहीं नजर आ रहा है ना ना सही नजर आ रहा है ना गलत तो क्या है कांड से कौन सा अगर मैं सिंपली चेक करूं सम पीनट्स आर राइस लेकिन उसने क्या पूछा है कैन बी मैं हमेशा बताती हूं ऐसे कंक्लूजन जिनको ऐसे कंक्लूजन जिनका आंसर क्या होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड ना वो सही दिखते हैं ना वो आपको गलत दिखते हैं उनकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है तो ये आपका बिल्कुल सही है कैन बी अगर वो सिंपली ये पूछ लेता सम पीनट्स इज राइस तो क्या होता बिल्कुल गलत हो जाता है ना कांड से वाला गलत हो जाता पीनट्स और राइस के बीच में क्योंकि कुछ भी कॉमन तो नजर आ नहीं रहे तो ये क्या हो जाता आपका गलत हो जाता चलो नेक्स्ट देखो ऑल किचन इज रूम बना दिया हमने ऑल किचन इज रूम नो रूम इज बेडरूम रूम को बेडरूम से बिल्कुल दूर कर दो ओनली अ फ्यू बेडरूम इज होल यानी कि सम बेडरूम इज होल एंड सम बेडरूम आगे नो किचन इज बेडरूम पहला रिलेशन यानी कि दोनों आपस में बिल्कुल दूर है और दोनों में कांटा लगा हुआ होगा ठीक है तो देखो मुझे क्या पता है मुझे पता है पूरा का पूरा रूम जो है वो बेडरूम से दूर है इस पूरे के पूरे रूम में ये क्या है किचन आई हुई है पूरा का पूरा किचन भी एक तरीके से बेडरूम से दूर नहीं हुआ पूरा का पूरा रूम जब किचन से दूर है नो रूम इज बेडरूम उसने बोला है नो रूम इज बेडरूम और बोला है ऑल किचन इज रूम पूरा का पूरा किचन रूम का पार्ट है और पूरा का पूरा रूम बेडरूम से दूर है तो किचन भी तो बेडरूम से दूर हुआ ठीक है ऑल बेडरूम कैन बी होल कहता है कि सारा का सारा बेडरूम जो है वो होल हो सकता है अब देखो अब उसने यहां बोला है ओनली अ फ्यू बेडरूम इज होल तो मुझे तो क्लियरली पता है कि बेडरूम का कुछ पोर्शन होल में जाएगा नहीं तो फिर ये सवाल कि सारा का सारा बेडरूम होल हो सकता है गलत है सीधा सीधा ठीक है सारा का सारा जो बेडरूम है वो होल नहीं हो सकता क्योंकि ये को, ये जो पोर्शन है डार्क वो कभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है आई होप कि जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस मत करो, पढ़ लो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे ही देखो सिलॉग्स में क्या ही कुछ आ जाएगा जितने भी कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए ओनली ओनली ऑफ यू सब मीनिंग आपको पता होना चाहिए और उस पर बेस्ड स्टेटमेंट पर बेस्ड जो कंक्लूजन दिए है होते हैं स्टेटमेंट पर बेस्ड आपको स्टैंडर्ड वन डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसके बाद में कंक्लूजन तो क्या ही है देख ही तो उसमें से सॉल्व करना है बताना है कि सही है या फिर गलत है लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है ठीक है तो सभी इंपॉर्टेंट जितने मैक्सिमम इसमें बन सकते हैं ना क्वेश्चंस वो सभी के सभी हम लोग आज के सेशन में यहां पर कवर करने वाले हैं सो इसलिए स्टेट और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक like जरूर कर दें शेयर कर दो बच्चों जितना कर सकते हो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो जाए क्योंकि यहां पर क्वालिटी क्वेश्चन मिलते हैं हमेशा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सम बुक्स आर नोटबुक्स बना दिया हमने ओनली अफ यू नोटबुक्स आर पेन यानी कि सम नोटबुक्स आर पेन एंड सम नोटबुक्स आर नॉट पेन नो नोटबुक इज पेंसिल ये जो नोटबुक है ये किससे दूर है पूरी की पूरी नोटबुक जो है वो पेंसिल से दूर है और ये आपका है पेन ठीक है बना दिया हमने पहला कंक्लूजन ओल्ड पेंसिल्स आर पेन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या पूछा है ध्यान से नोट लगा हुआ है ध्यान से सुनना है आपको कह रहे कि सारे के सारे पेंसिल्स पेन pen हो सकते हैं यह पॉसिबल नहीं है उसने यह पूछा ध्यान से सुनो ध्यान से समझो पेपर में अगर ऐसी चीज आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे नॉट पॉसिबिलिटी वाली ओल्ड पेंसिल्स आर पेन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है सारे के आप क्या चेक करो ओल्ड पेन आर a पॉसिबिलिटी इतना चेक कर लो अगर वो सही होगी तो नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी इसका कह समझ गए ना आप सभी के सभी आपको बेसिकली क्या चेक करना है ओल्ड अ पॉसिबिलिटी वो क्या आया है आपका ठीक है पेन पेंसिल ये रहा पेन ये रहा तो सारा का सारा पेंसिल पेन pen हो सकता है अब मुझे क्या पता है pen, मतलब, क्या करना है पेंसिल्स सारा का सारा पेन आप सिंपली इतना चेक करो ओल्ड पेंसिल्स पेन मुझे तो नहीं नजर आ रहा ओल्ड पेंसिल आर पेन नहीं नजर आ रहा तो ओल्ड पेंसिल आर पेन क्या हो जाएगा कांट से वाला गलत और उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी सही लेकिन ये गलत हो जाएगा क्यों उसने बोला है नॉट अ पॉसिबिलिटी ध्यान से पढ़ो नॉट अ पॉसिबिलिटी वो कहता है कि सारी की सारी पेंसिल्स पेन नहीं हो सकती है जबकि हो सकती है सारी की सारी जो पेंसिल्स हैं वो पेन हो सकती है ठीक है आप चाहो तो इसका ये स्टैंडर्ड डायग्राम है इसका एक पॉसिबल वन जाएगा हमें क्या करना है नोटबुक को पूरे के पूरे नोटबुक को पेंसिल से ही दूर रखना है ना देखो ये बी है आपका बी और एन का पोर्शन क्या है कॉमन है ठीक है ये आपका पेन है तो क्या मैं पेंसिल को यहां पर नहीं बना सकती ये है आपका पेंसिल ठीक है अब मुझे इस पूरे के पूरे नोटबुक को पेंसिल से दूर रखना है मैंने रख तो दिया और पूरा का पूरा पेंसिल इस पेन में आ भी गया ठीक है और ये जो है नोटबुक का कुछ पोर्शन पेन में कॉमन नहीं आएगा ठीक है पूरा का पूरा अब देख लो चाहो तो जितनी भी स्टेटमेंट दी गई है वो सबकी सब, सब यहाँ पर लग रही है सबकी सब और ये कंक्लूजन जो है ओल्ड पेंसिल आर पेन वो भी इसमें सही है तो यानी कि सारी की सारी जो पेंसिल्स हैं वो पेन हो सकती है लेकिन उसने पूछा क्या नॉट पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं है जबकि ये पूर्णतया पॉसिबल है ठीक है तो ये पहला कंक्लूजन आपका यहाँ पर क्या हो गया गलत हो गया नॉट पॉसिबिलिटी के लिए क्या करोगे नोट वर्ड हटाओ चेक करो आंसर जो आया है उसका ऑपोजिट उसका आंसर होगा अगर ट्रू है तो फोल्स हो जाएगा फोल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा ठीक है ओल्ड पेन कैन बी नोट बुक्स सारे के सारे पेन नोटबुक्स हो सकते हैं पेन सारे के सारे नोटबुक्स हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन यही इसका रिवर्स पूछ ले मान लो आपसे पूछ ले ओल नोटबुक्स कैन बी पेन अगर ये पूछ ले तो क्या आंसर होगा ओल्ड नोटबुक्स कैन बी पेन क्या सारी की सारी नोटबुक्स पेन हो सकती है नहीं हो सकती कैन बी पॉसिबिलिटी पूछिए नहीं हो सकती क्यों क्योंकि नोटबुक्स का इतना पोर्शन कभी पेन में नहीं जाएगा रिवर्स में नहीं ये बिल्कुल सही है सारे के सारा जो पेन है आपका वो तो बच्चों नोटबुक में जा सकता है सारा का सारा जो पेन है आपका वो तो नोटबुक में जा सकता है है ना पेन तो नोटबुक में जा सकता है बस नोटबुक पूरा का पूरा, पूरा पेन में नहीं जा सकता तो ये क्या है बिल्कुल सही है आगे नेक्स्ट <clears> क्वेश्चन <throat> एक बार आपसे भी देखिए ओके नेक्स्ट ओनली होटल्स आर रेस्टोरेंट ओनली दैट मींस ऑल रेस्टोरेंट आर होटल्स बनाएंगे ऑल रेस्टोरेंट आर होटल्स और रेस्टोरेंट को स्टार मार्क करना नहीं भूलना इस रेस्टोरेंट का इस होटल के अलावा और किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा सम होटल्स आर कैफे हॉटल्स और कैफे का कुछ पोर्शन कॉमन है नो कैफे इस बार कैफे और बार बिल्कुल दूर है हैं कि सारे के सारे के जो हैं, क्या वो होटल्स हो सकते हैं सारे के सारे बार्स जो हैं क्या वो होटल हो सकते हैं अब देखो सिंपली चेक करना है कैन भी है पॉसिबिलिटी पूछिए चेक कर लो ओल्ड बार्स आर होटल्स मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि सारे के सारे जो बार्स हैं वो होटल हैं नहीं नजर आ रहा एग्जैक्टली ओल्ड बार्स आर होटल्स मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं नजर आ रहा तो वो क्या होगा से वाला गलत पूछा है उसने कैन भी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सही हो जाएगी से वाले कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी सही होती है ऑल होटल्स आर कैफे इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कहते हैं कि सारे के सारे जो होटल्स हैं वो कैफे नहीं हो सकते एक तरीके से ये पूछ रहा है ऑल होटल्स आर कैफे इज नॉट अ पॉसिबिलिटी तो अब देखो या तो आप इसको कैसे करो या तो देखो सिंपली भी समझ आ जाता है ये तो मैं वैसे बता रही हूँ कि आप नोट हटा दो आपको क्या पढ़ने के बाद इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा उसने क्या बोला है सारे के सारे जो होटल्स है ना वो कैफे नहीं हो सकते मतलब वो पॉसिबल नहीं है सारे के सारे होटल्स कैफे नहीं हो सकते बिल्कुल सही बात है क्यों सही बात है होटल का ये वाला पोर्शन जो कि ये आर है रेस्टोरेंट वाला जो पोर्शन है वो तो कभी भी कैफे में नहीं आएगा तो ऑल होटल्स आर कैफे इज नॉट पॉसिबिलिटी हंड्रेड परसेंट ट्रू क्योंकि पूरा का पूरा होटल कैफे में नहीं जा सकता ये जो आर वाला रेस्टोरेंट वाला पूरा का पूरा एरिया है स्टार मार्क किया हुआ ना याद रखने के लिए कि ये सिर्फ एच का पार्ट है और किसी का हो ही नहीं सकता तो ये बिल्कुल सही है दोनों ही कंक्लूजन यहां पर आपके फॉलो करते हैं चलिए नेक्स्ट नो इंस्ट्रूमेंट इज अ राइफल ओनली अफ यू राइफल इज पिस्टल यानी कि सम राइफल इज पिस्टल एंड सम राइफल इज नॉट पिस्टल पहला कंक्लूजन ओल्ड पिस्टल कैन भी इंस्ट्रूमेंट क्या सारे के सारे पिस्टल जो है आपकी वो इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं सारे के सारे पिस्टल पिस्टल so, यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है इनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप इसका ओल्ड पिस्टल इज इंस्ट्रूमेंट चेक करो तो मुझे तो भाई ये नजर आ रहा है आई और आर के बीच में ये वाला रिलेशन है तो आर और पी का जो कॉमन पोर्शन है इसके बीच में भी नाडा तो सम पी इज नॉट आई ये डेफिनेटली ट्रू है मुझे ये नजर आ गया यहां से सम पी इज नॉट आई ये क्या है डेफिनेटली ट्रू है ये बिल्कुल सही है सम पी इज नॉट आई तो उसने कहा ओल्ड पिस्टल इज आई ओल्ड पी इज आई कैसे सही होगा नहीं है सही तो ओल्ड पिस्टल इज इंस्ट्रूमेंट गलत है और उस गलत कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी भी गलत होती है तो ये गलत होगा देन सम पिस्टल इज नॉट वेपन पिस्टल और वेपन का कुछ पोर्शन सम पिस्टल इज नॉट वेपन यानी कि पिस्टल का कुछ पोर्शन वेपन से दूर के आपको ऐसा नजर आ रहा है अब मुझे नजर आ रहा है सम पिस्टल इज नॉट आई ये नजर आ रहा है अब आई का ही पार्ट क्या है डब्ल्यू है तो फिर ये क्या होगा some pistol is not w. क्या होगा? होगा. बिल्कुल सही क्योंकि सम पिस्टल इज नॉट आई ठीक है ना और आई का ही पार्ट है क्या डब्ल्यू तो ये क्या होगा बिल्कुल सही होगा सम पिस्टल इज नॉट वेपन क्या है आपका सही है ठीक है पिस्टल का कुछ पोर्शन. ये वाला जो पोर्शन है ना पिस्टल का वो कभी भी कहने का मतलब है कि पिस्टल का जो ये वाला पोर्शन है ये कभी भी W में नहीं जाएगा क्योंकि I में नहीं जा सकता तो W में भी नहीं जा सकता ठीक है चलिए नेक्स्ट नो फिलर इज बैंक ब्लैंक नो ब्लैंक इज सेंटेंस ऑल सेंटेंसेस आर वर्ड्स ठीक है है ये गिवन सो so, पहला नो फिलर सेंटेंस और फिलर के बीच में नो का रिलेशन अब क्या आपको नजर आ रहा है सेंटेंस और बी एस और बी का रिलेशन नजर आ रहा है नो का लेकिन एस और एफ का तो एस सच एग्जैक्टली नहीं नजर आ रहा तो ये क्या हुआ गलत हुआ सम फिलर इज सेंटेंस फिलर और, और सेंटेंस के बीच में मैं क्या सम का रिलेशनशिप नजर आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये भी क्या हुआ आपका गलत हुआ तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों ही कंक्लूजन जो है आपके वो फॉलो नहीं करते हैं आई होप कि सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा रही हूं ताकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने छोटा वीडियो बने और आप आसानी से देख पाए पेपर के एक दिन पहले ठीक है और अपने मार्क्स सिलॉग्स जितने भी जितने भी नंबर का पूछा जाए उतने मार्क्स आप अपने सुनिश्चित कर लें ठीक है चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर ओल्ड फोन आर लैपटॉप ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर टैबलेट्स यानी कि सम लैपटॉप्स आर टैबलेट्स एंड सम लैपटॉप्स आर नॉट टैबलेट्स ओनली टैबलेट इज कंप्यूटर यानी कि ओल्ड कंप्यूटर्स आर टैबलेट्स और इसको कर दिया स्टार मार्क क्योंकि ये कंप्यूटर सिर्फ टैबलेट का पार्ट हो सकता है और किसी का नहीं तो देखो सम टैबलेट्स आर नॉट लैपटॉप्स कहता है कि कुछ टैबलेट्स जो हैं वो लैपटॉप नहीं हैं क्या होगा इस कंक्लूजन का आंसर सम टैबलेट्स आर नॉट कंप्यूटर सम टैबलेट्स आर नॉट लैपटॉप सॉरी क्या बोला सम टैबलेट्स आर नॉट लैपटॉप तो टैबलेट का देखो सम टैबलेट्स आर लैपटॉप ये तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है इनके बीच में सम का रिलेशनशिप सही है अगर वो पूछे कि सम टैबलेट्स और लैपटॉप ये तो सही है ठीक okay, है ये सही है लेकिन उसने कहा सम टैबलेट्स आर नॉट लैपटॉप तो ये जो सी का पूरा पोर्शन है ये तो कभी भी लैपटॉप में नहीं जा सकता और सी क्या है टैबलेट का ही तो पोर्शन है तो सम टैबलेट आर नॉट लैपटॉप बिल्कुल सही है क्योंकि सी का पोर्शन कभी भी लैपटॉप में नहीं जाएगा और सी किसका पार्ट है टैबलेट का ही पार्ट है कैन बी टैबलेट्स कहते हैं सारे के सारे फोन टैबलेट हो सकते हैं हाँ फोन यहाँ पर है टैबलेट यहाँ पर है हो सकते हैं बस शर्त क्या है सी के अंदर नहीं जाना चाहिए आपका फोन अगर आप यहां पर चाहो तो इस फोन को ऐसे बना सकते हो ठीक है बस सी से क्या है दूर रहना चाहिए सी से दूर रहना चाहिए ठीक है तो ये हो गया ऑफिसर्स आर नॉट क्लर्क्स अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सम नोट अगर आपको स्टेटमेंट में मिलता है तो उसको कैसे बनाना है सम ऑफिसर्स आर नोट क्लर्क्स ऑफिसर का कुछ पोर्शन है जो कि क्लर्क से दूर रहेगा ऑफिसर का कुछ पोर्शन ओल्ड क्लर्क आर मैनेजर सारे के सारे क्लर्क क्या है मैनेजर्स हैं सम मैनेजर्स आर सुपरवाइजर कुछ मैनेजर्स क्या है सुपरवाइजर्स हैं पहला कंक्लूजन ऑल ऑफिसर्स कैन बी सुपरवाइजर सारे के सारे जो आपके ऑफिसर्स हैं क्या वो सुपरवाइजर हो सकते हैं सारे के सारे ऑफिसर ऑफिसर यहां पर है सुपरवाइजर दोनों ही आपस में बिल्कुल दूर हैं जुदा हैं एक दूसरे से बिल्कुल तो इनके बीच में तो भाई कोई भी रिलेशनशिप एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा है तो पॉसिबिलिटी हर एक रिलेशन की सही होगी इनके बीच में ऑल ऑफिसर्स कैन बी सुपरवाइजर्स यस डेफिनेटली ट्रू नो ऑफिसर इज मैनेजर यानी कि पूरा का पूरा ऑफिसर जो है मैनेजर से दूर रहे पूरा का पूरा ऑफिसर मैनेजर से दूर है ध्यान से सुनिए दूर है लेकिन नो का रिलेशन का मतलब है कि ऑफिसर और मैनेजर के बीच में कोई लेना देना नहीं है ऐसा नहीं नजर आ रहा क्रॉस नहीं लगा हुआ तो ये क्या हुआ गलत हुआ ठीक है चलिए सो so, ये जो हमने क्वेश्चंस किए ना अभी आज के सेशन में दस क्वेश्चंस इसमें मैंने हर एक चीज आपको करा दी है छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूं अगर वो आपको बोलता है एवरी या फिर बोलता है ईच ए इज बी तो इसका मतलब क्या होगा ईच और एवरी दोनों का मतलब क्या होता है ऑल ध्यान रखना है सभी को हंड्रेड परसेंट से नीचे वो कोई भी परसेंटेज दे दे आपको टेन परसेंट नाइन परसेंट नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट कुछ भी दे दे इन सभी परसेंटेजेस का मतलब क्या होता है सम होता है ठीक है दूसरी चीज आइदर ओर का आपके दो कंक्लूजन एक पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन conclusion. दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए हंड्रेड परसेंट गलत नहीं कांड से वाले गलत होने चाहिए दोनों ही कंक्लूजन ठीक है कांड से वाले गलत होने चाहिए दोनों, 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 दोनों कंक्लूजन ठीक है और क्या होता है इसमें आपका एलिमेंट सबसे पहली बात जैसे इसमें आया सम सम ए ए ए इज इज बी 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 नॉट ठीक है है एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए यानी कि अगर पहले में A और B है, तो दूसरे में भी ए और बी होने चाहिए दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए कांड से वाले गलत होने चाहिए अब दूसरी और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है कॉन्ट्राडिक्टी पेयर

कॉन्ट्राडिक्टरी कि एक कंक्लूजन अगर पॉजिटिव uh, होगा तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा प्लस कई बार ये तीनों कंडीशन लगने के बावजूद भी आपका जो आंसर है वो आइर और नहीं आता सिंपली नाइधर नो आ जाता है ठीक है तो वो कब होता है सिर्फ एक एक्सेप्शन है बच्चों इस रूल की एक एक्सेप्शन है ऑल और नो की यानी कि अगर आ जाता है ऑल ए बी और नो ए बी इस वाले केस में आपका चाहे दोनों देखो ए बी ए बी दोनों के एलिमेंट सेम है ए बी ए बी दोनों कंक्लूजन मान लो कि गलत आते हैं ठीक है और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है ये नेगेटिव कंक्लूजन है स्टिल यहां पर आपका आइदर और नहीं लगता है ऑल और नो आपका इस रूल से बाहर है बाकी सब लगते हैं ऑल के साथ में आपका सम नोट आ जाए सम के साथ में सम नोट आ जाए ठीक है कुछ भी आ जाए चलेगा ऑल और नो के केस में आपका आधर और नहीं लगेगा बस यही चीजें थी सो आई होप कि जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा और आपकी बहुत हेल्प होगी इसके बाद आप सिलॉग्स के क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे चलिए मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में आपको क्या करना है तैयारी करते रहना है और इस साल बैंकर बनना है टेक केयर एवरी